स्टार्ट की थी अभिलाष, रिमेंबर हमने स्टार्ट किया था इस फिल्म को, फिर नहीं जैसा डिफरेंट थिंग म्यूजिक वीडियो से स्टार्ट किया था, बट फिर अभिलाष को देखने के बाद मुझे लगा कि ही इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर एवर आई नो, एंड जिस हमें जिस तरीके से रोल में चाहिए था ही इज़ एग्जैक्ट फॉर दैट। लोगों ने बहुत मुझे क्वेश्चन किया क्यों क्या, तो मेरा आंसर है प्लीज़ अभिलाष की आप बस एक्टिंग देना, यू ऑल गेट द आंसर्स। एंड उसके बाद हमारे राजीव सेन जी की एंट्री हुई, इट इज़ एक्चुअली यूनिवर्स से लिखा था, एंड अगस्त जोशी का जो रोल है ना, ओनली राजीव सेन कैन डू इट। ये मुझे इन्होंने एक्टिंग अभी की नहीं है, स्टार्ट नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, भी कुछ यकीन ना ऊपर वाला बना के देता है। तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि इतने अच्छे एक्टर्स हमारे साथ हैं, इतने छोटे मुंडे मेरे साथ हैं और शादीबाज बड़ी बनती जा रही है आप सबकी दुआओं से, एंड इट्स अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बस एक लड़ाई है समाज के सामने एक औरत की, जो आप जल्द ही सर देखेंगे और अलग अलग रंग देखेंगे। और जहाँ भी बात आती है कि हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होता है, तो वो आइटम सॉन्ग की बात हुई तो मुझे सबसे पहले एक ही का ख्याल आया, हमारी हीरा पांचाल का, और मेरे लिए वो हीरा पांचाल की एंड शी इज़ अमेजिंग। पहले भी हम काम कर चुके हैं फ्लोरा रिक्वेस्ट में, शी इज़ अमेजिंग दैट टाइम ऑल्सो, हमारी फ्लोरा थी अब हमारी अनारकली है, तो यू कैन सी हर ब्यूटी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस सॉन्ग में इनकी ब्यूटी वैसे तो खूबसूरत है ही, उससे ज़्यादा इनकी ब्यूटी निखर के आई है। तो मैं देख रही हूँ कि हमारी फिल्म है, लोग अपना मान रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अभिलाष और राजीव ने इस फिल्म को दिल से अपनाया है, इससे ज़्यादा एक प्रोड्यूसर के लिए अच्छा क्या होगा। एक ये सलीम साना गाना है, काफ़ी मधुबाला टाइप में, और थोड़ा सा इंडियन और वेस्टर्न तड़का है इसमें, और थोड़ा सा हॉलीवुड भी है, टॉलीवुड एज ए लाइक टॉलीवुड का वो धतर 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 धतर। सो ये जब गाना आया उसमें लड़की के बारे में बोल भी रहे और उसको मुझे उठाना है, जैसे कि नातु अनारकली तुझसे सेक्सी तो छिपकली, इमेजिन द लाइंस ऑफ द सॉन्ग। सो मुझे उसको आउटबर्स्ट करना था, एंड आई वांटेड टू प्रूव दैट करके कि छिपकली हो या कुछ भी हो, इट्स लाइक यू जस्ट हैव टू बी यू। दूसरी गाना जो है बहुत पेपी गाना है और अनारकली बेस्ड है, और आजकल के आइटम सॉन्ग्स जैसे होते हैं ये उससे थोड़ा सा हटके है, सो इसीलिए मैंने ये गाना करने का सोचा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एरम, एंड थैंक यू एरम एंटरटेनमेंट, जो कि आपने मुझ पे इतना विश्वास जताया है। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक मेरी जो भी फिल्में आई हैं, सीरीज आई है, वो सबसे हटके इसमें मैं काम करने वाला हूँ। जो ये कैरेक्टर है, ये बहुत ही एक अलग टाइप का कैरेक्टर है, और मैं थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि हाँ यार अभी कुछ लीक से हटके कुछ करना चाहिए, तो थैंक यू सो मच एरम। और रही बात इस सॉन्ग की, तो बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, और शी इज़ जस्ट फैंटास्टिक। और जैसे कि अभी आपको हमने थोड़ा बहुत लिरिक्स के बारे में बताया है सॉन्ग की, तो ये बहुत ही कैची सॉन्ग है, बहुत ही डिफरेंट सा सॉन्ग है, एंड आई एम श्योर ये रॉक करने वाला है। सर जैसे कि आपने कहा कि आपका किरदार अलग डिफरेंट है, क्या किरदार क्या डिफरेंट है? सीधे को कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। अलग इसलिए है क्योंकि अभी तक मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं, इट्स लाइक या तो एकदम नेगेटिव, और नेगेटिव जो कि देखते ही बनता है, एक लुक होता है बेसिकली। अगर आप कभी भी कोई पोस्टर देखते हैं किसी फिल्म का, या फिर आप टीजर देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, तो यू जस्ट कि हाँ यार ये बंदा ये इस फिल्म का विलेन है, बिना किसी के बताए आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा देख के इस कैरेक्टर स्केच को, कि यार ये बंदा हीरो है या फिर ये विलेन है। तो ये कुछ एक और इसके डिफरेंट शेड्स हैं फिल्म में, सिर्फ एक शेड नहीं है कि हाँ थ्रू आउट फिल्म में स्टार्ट टू एंड ये एक जैसा फ्लो में है, वो आपको दिखेगा जब आप फिल्म देखोगे। कभी कभी आपको मे भी हो सकता है फिल्म में देखो आप, अरे नहीं यार ये तो बेचारा है, ये तो विलन नहीं हो सकता, या फिर यार ये तो हीरो नहीं लग रहा, ये तो मेरे को विलन लग रहा है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए ग्रे शेड है, ग्रे शेड कहेंगे ये मैं अभी नहीं कह सकता। तो फर्स्टली थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं जो किरदार प्ले कर रहा हूँ, आई एम प्लेइंग ऑफ अ लॉयर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, तो इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं। गाने में इसीलिए हो क्योंकि ये उठकर आने वाला है गाना, इसीलिए मैं सिर्फ गाना करना पसंद। बिलीव मी गाइस, ये गाना जो कर रही हैं और पूरी फिल्म के बाद, मैं गारंटी लेता हूं कि लोग उस गाने को और इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे।
मेरी आइटम सॉन्ग के शुभ मुहूर्त पर, शादी बास के शुभ मुहूर्त पर सर और मैम आए मुझे सपोर्ट करने के लिए। कौन कहता है कि फैमिली दूर होती है तो कुछ अच्छा नहीं होता। मैम और सर जैसे लोगों का सपोर्ट होना, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। मैम खुद एक अपने आप में इंस्पिरेशन है, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है और सीखती रहूँगी। ऑलवेज विथ यू आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल इस नतीजे पर पहुँची है, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने लाइफ में, तो मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है कि ये मूवी बहुत सक्सेस मिले और उसने जो एफर्ट लिए वो उसका हकदार है। मेरी एरम जी को एक ही कहना है कि जितना शॉर्ट टर्म में उन्होंने सक्सेस लिया है इससे और बहुत ज़्यादा स्पीड में उनका सक्सेस मैं उम्मीद करता हूँ अगले एक साल में। मूवी बनाने में ना एक अकेले का सहूलियत नहीं रहता है, पूरा टीम वर्क रहता है, तो पूरा टीम के लिए और एरम के लिए मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस है, थैंक यू। अगर आपसे ये बात कहूँ कि ये रियलिटी है तो अगर ये ब्रिटा ट्रुथ है तो भी है तो है, क्योंकि इन रियलिटी वुमेन फेसेस लॉट ऑफ थिंग्स सच। एंड जैसे कि इन्होंने अभी कहा शादी पास, देर आर पीपल हु गेट इनटू मल्टीपल मैरिजेस जहां औरतों को पता नहीं होता फर्स्ट या सेकंड की, एंड दे फेल इन लव, इट्स अ ब्लाइंड फेथ व्हाट दे हैव एंड दे एंड अप। ऐसी बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं, पर इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, सो आई फील अनलेस एंड अनटिल यू रेज द वॉइस इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड हर मैसेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर एवरी वन, येस एवरी इंडिविजुअल हु गोज थ्रू ऑल दिस स्टफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज द वॉइस। और औरतों को न्याय ज़रूर मिलेगा, सिर्फ एक आवाज़ उठाने की ज़रूरी और फैमिली जो उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत, तो ये एक ऐसा मैसेज उनको देना चाहते हैं। और हमारे यहाँ पे बॉम्बे में ही नहीं है, सीन पीपल इन स्पेसिफिकली आप स्मॉल टाउन्स में जाओगे तो वहाँ ये सब बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, तो ये मैसेज गाँव गाँव तक पहुँचे ये इनकी कोशिश है। और हम सब यही चाहते हैं कि ये हर कोई देखे फिल्म ताकि उनको पता चले रियलिटी का फेस, रियलिटी का एक मिरर देखने। खुशी मैम का सपोर्ट करता रहेगा, आपका सपोर्ट करता रहेगा, एरम मैम को किससे सपोर्ट कर रहे हो आप? खुशी मैम का हमेशा सपोर्ट रहा, आपको मालूम है जब मैं बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी, जब मैं खड़ी मैंने उस दिन बोला मैंने कहा फंक्शन में, तो वो बात सच है कि मैं आई फंक्शन में और जब खुशी ने मुझे गले लगाया एंड सच में जो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और आज आप देख रहे हैं कि परफेक्ट वुमेन ने मेरा कितना सपोर्ट किया है। जब इरम स्टार्ट कर रही थी सबसे पहला चीज़ एक ही था कि इनमें वो जज्बा था, तो डेफिनेटली फिर एक रीज़न हो जाता है मैं आप हम सब, ये मेहनत इनकी है, कोशिश इनकी है, लक्ष्य इनका है, तो पहुंचना इनको ही है, हम सब आप में हम सब सिर्फ ऐसे खड़े हैं ताकि वो कहीं पर भी ज़रा भी फील हो तो वी आर देयर टू हेल्प। कि कोई भी प्रोजेक्ट जब अच्छा बनता है डेफिनेटली हम सबको साथ देना चाहिए, दिस इज़ हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर। इंडियन सिनेमा एक है, अलग अलग नहीं है, तो हम सबको साथ देना है, हम सबको आगे बढ़ाना, इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर इनकी फिल्म्स देखोगे तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस के साथ है और ऐसी ही फिल्म्स बननी भी चाहिए। आज के दौर में जब हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं, काफ़ी ऐसी फिल्म्स बनती है जहाँ पे मैसेज नहीं होता। एक चीज़ है जो मुझे इनके हर प्रोजेक्ट को ड्रिवन करती है वो ये है कि इनके हर मैसेज में ज़्यादातर एक मैसेज होता है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है सोसाइटी पे। आज इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी सी पीपल आर यू नो लाइक गोइंग अहेड एंड नेट स्क्रोलिंग रील्स एंड लर्निंग डिफरेंट एक्ट्स, बट इनके प्रोजेक्ट में आप ये चीज़ देखोगे बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक होता है, बहुत ज़्यादा सोशल मैसेज होता है। और इनको मेरे ख्याल से बहुत ही एक नेशनल अवार्ड भी मिलना चाहिए क्योंकि इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ यूथ बेस नहीं है, वो सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज और एक यू कैन से हर किसी को एक मैसेज इस तरीके से देते हैं ताकि वो उस पर अमल करे और उस पर सक्सेसफुल बने, तो हर वुमेन इन पर प्राउड फील करती है। जिस तरीके से ये कर रहे हैं डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस इनको 100% फेस करने होंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को एज अ फीमेल और मेल दोनों को अपने आप में बचा के दबा के अपने आप को प्रेजेंट करना, ये बहुत टैलेंटेड आर्ट है जो ये कर सकते हैं और कोई और नहीं कर सकता। हाँ यार, शूटिंग हो रही है और ये सॉन्ग को कोरियोग्राफ और डायरेक्ट कर रहे हैं फिरोज भाई, फिरोज खान जी, जिन्होंने काफ़ी बॉलीवुड के गाने किए, और ये भी एक गाना है उसका नाम है
मैं हूँ मधुबाला, कहाँ है मेरा सलीम साहब। आर्टिस्ट इस गाने में है हिना पंचाल जी, जो हमारे बहुत ही अच्छी डांसर है, वो ये उसमें परफॉर्म कर रही है। और बाकी अभिलाष चौधरी जी है एंड राजीव सेन जी है हमारी प्रोड्यूसर साहब को, जिसने इरम फैदी को जिसने हमको ये लाइक यू नो एक मौका दिया है खुले हाथ से फिल्म को बनाने का, और पूरे मतलब पूरे से हाथ पूरे खोल दिए। आप जितनी लाइक यू नो फिल्म फुल फ्रीडम देके हमें फिल्म बना रहे हैं। तामझाम पूरा आप देख ही रहे हो, कितना आपको सब तामझाम आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है, ए बी सी डी सब आ चुका है। तो हम बहुत ही दिल से फिल्म बना रहे हैं, और हर किसी को रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप देखो और फिर गाइए करो, यहाँ अच्छी है पूरी है जो भी। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रियल स्टोरी है, तो कॉस्ट्यूम करने में मजा आया, ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी नाइस। तो जब मुझे इरम स्टोरी सुनाया तो इट वाज अमेजिंग एंड आई थॉट कि लेट्स डू इट। तो एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड स्टाइलिस्ट आई ऑलवेज डिजाइन द कैरेक्टर्स, तो वैसे ही हुआ। एंड द डायरेक्टर के साथ बैठ के हम लोगों ने कंसल्ट किया, उसके बाद ही हम जो लुक्स है हम लोग लुक सेट भी किया, आपके पास ये भी पोस्टर आ जाएंगे आई थिंक नेक्स्ट वीक यू विल गेट द पोस्टर्स, उसके बाद यू कैन सी दिस नॉट माइंड। ये बहुत पहले से आई थिंक डिसाइड हो गया था, ऑन दैट टाइम आई वाज नॉट अवेलेबल। तो अब ये गाना वो लोग जैसे किया है सब बहुत पहले से ही करते रहते थे। शादी बाज बहुत पहले सुनी थी स्क्रिप्ट, और आई लव द स्क्रिप्ट बिकॉज इरम जी इसको बहुत दिल से बना रहे हैं, एंड अभी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। आज शूट पे आके देखें तो ज़बरदस्त फीलिंग है, बहुत अच्छी बनने वाली फिल्म। इरम मैम बहुत सपोर्टिव है और हर चीज़ को मतलब ध्यान से सुन रही है और बहुत सीरियस ले रही है फिल्म को। सो दैट इज़ द ग्रेट थिंग कि आप इतना फोकस, सी काम बहुत लोग करते हैं बट फोकस राइट फोकस कितना ध्यान दे रहे हो चीज़ों पर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले शूट भी किया था पोस्टर शूट, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। आज भी शूट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। सो यार इरम जी ऑलवेज मैं कुछ भी क्वेश्चन होते हैं मेरे, मैं कभी भी पूछ लेता हूँ अच्छा ये कुछ ऐसा है, तो हर चीज़ का एनी टाइम जवाब देते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी शादी बाज की शूटिंग शुरू हो गई। आज का मुहूर्त था, हम सॉन्ग से शुरू कर रहे हैं, और दिस सॉन्ग इज डायरेक्टेड एंड कोरियोग्राफ बाय फिरोज खान और प्रोड्यूस बाय इरम एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर इरम फरीदी। और आज बहुत खुशी का दिन है कि इतनी मेहनत के बाद हमारी फिल्म ऑन शूट गई हुई है आज। इरम ने काफ़ी अच्छा, मैं इरम को जब से जानता हूँ जब वो मुंबई में आई थी तभी से वो फोकसली बहुत बड़े प्लान्स लेकर आई थी, और अभी वो अचीव कर रही है, और मेरी बेस्ट विशेष है उसके साथ में, उसके गाने के साथ में, उसकी फिल्म के साथ में, कि ये एक बार बहुत बड़ी पोजीशन जाके बने। और यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा गाना है। मैं फिरोज मास्टर को भी जानता हूँ, वह बहुत अच्छा, बड़े बड़े जो काम करते हैं वो ये गाना कर रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेष है लोगों के साथ में और इरम के साथ में, कि इरम फरीदी एक दिन तुम सब बड़े स्टारों के साथ में फिल्म बनाओ, इंक्लूडिंग बाय। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.